हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स चैप्टर स्टार्ट किया था और वो वीडियो इंट्रोडक्शन के बारे में था। तो आज हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट कैसे हम देखेंगे। ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट है a1, a2, a3, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसकी कन्वर्जेंस कैसे पता करेंगे? तो टर्म मैंने वहाँ पर डिफाइन की थी पार्शियल प्रोडक्ट, आंसर रिप्रेजेंट करते थे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस इनफाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस बताएगी। तो देखिए, इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट में ये जो टर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं, ये इनमें से कोई भी अगर जीरो नहीं है, नो फैक्टर ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज जीरो, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पी को कन्वर्ज करती है, और वो पी कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन इस आई पी इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू दैट पी। ठीक है, इफ दिस लिमिट कम्स आउट टू इन्फिनिटी तो ये आई पी इन्फाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, जीरो आने पे डाइवर्जेस टू जीरो कहा जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, इफ फाइनाइटली मैनी फैक्टर्स ऑफ ए एन आर जीरो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पे जीरो है प्रोडक्ट के अंदर, देन उन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हटाने के बाद आप उस इन्फाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। ठीक है, चेक करनी है उसके बाद। इफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट प्रोडक्ट में जीरो है तो हम बोल देंगे कि वो इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू जीरो। ओके, इफ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर नेगेटिव, मान लीजिए कुछ 7, 8 या मान लीजिए कुछ 18 नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस इनफाइनाइट प्रोडक्ट में जो जीरो, जो नेगेटिव बन रही है। ठीक है, तो आफ्टर उन नंबर ऑफ टर्म्स को हटाने के बाद, उन नंबर ऑफ टर्म्स के बाद वाली टर्म्स का इनफाइनाइट प्रोडक्ट आपने लेना है, और वो उसकी हेल्प से आपने इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस देखनी है। मान लीजिए a99 वाली लास्ट टर्म थी जो कि नेगेटिव थी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि a1, a2, a3 अप टू a99 सब टर्म्स नेगेटिव थी, बट कुछ नंबर ऑफ टर्म्स थी, बट a99 तक ही नेगेटिव टर्म्स सारी आ चुकी हैं, उसके बाद कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं बची है। सो आफ्टर a99 एन ग्रेटर देन 99 के लिए हम इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट को लिखेंगे और उसमें कन्वर्जेंस देखेंगे। अगर वो कन्वर्ज करता है अब, तो ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नेगेटिव टर्म्स भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब 99 मान लीजिए उसको एम नाम दे दिया, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो कहाँ से शुरू होगा, m+1 से इन्फिनिटी तक ये इनफाइनाइट जो प्रोडक्ट है ना, उसकी कन्वर्जेंस इस पूरे इनफाइनाइट प्रोडक्ट दैट इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी की कन्वर्जेंस बताएगा या डाइवर्जेंस। ओके, अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट ऑसिलेट करती है, देन इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी आपका ऑसिलेटरी कहलाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स अब हम यहाँ पे देखते हैं, दो तरीके से देखो आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब मान लीजिए फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट, दैट इज 1 -1/2² 1 -1/3² 1 -1/4² इसी तरह से nth टर्म कैसे लिखी गई, 1 - n+1 का होल स्क्वायर। ओके, सो 1 + an इज 1 - 1/n+1 होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा n(n+2)/(n+1)² दैट इज n(n+1)(n+2)/(n+1)। ये आपके पास nth टर्म हो गई। नाउ क्योंकि हमने पार्शियल प्रोडक्ट की हेल्प से देखना है, तो पार्शियल प्रोडक्ट 1 + a1 1 + a2 प्रोडक्ट हो जाएगा 1 + an। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैसे होगी, जब एन को वन रखेंगे 1/2 3/2 देन होगी 2/3 4/3 ठीक है 3/4 5/4 इसी तरह से लास्ट टर्म होगी n/(n+1)(n+2)/(n+1)। अब देखिए दो तरीके हैं इसे सिंप्लीफाई करने के। एक तो आप इस पार्शियल प्रोडक्ट से पार्शियल सम में कन्वर्ट कर लें इसे, और किसी भी पार्शियल प्रोडक्ट को पार्शियल सम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, मान लीजिए आपके पास pn है a1 a2 an, तो log pn करने पे ये सब सम में कन्वर्ट हो जाएंगे, log a1 प्लस log a2 प्लस log an। ठीक है, इसी को हम एस एन नाम दे देंगे। अब एस एन की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे पता लगती है, सिंपली लिमिट लेने पे, अगर वो फाइनाइट नंबर आता है तो आपकी जो जिसकी ये सीरीज बन गई ना, दिस इज योर सीरीज, सीरीज लॉग पी एन टाइप से। तो इसके
की कन्वर्जेंस हमें एस की हेल्प से पता लग सकती है। या तो इस तरह से लॉग लेके आप सिंप्लीफाई कर लें, फिर कैसे करेंगे, ये सीक्वेंस आ जाएगी, सीक्वेंस को जिस तरह से भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम देखते हैं वो वैसे आप चेक कर सकते हैं। या एक तरीका ये है, जिन भी पार्शियल प्रोडक्ट के अंदर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हूँ, ऐसे प्रोडक्ट लिखा हुआ है और वो कैंसिल आउट होता जा रहा हो, तो इजी हो जाता है उस केस में हमारे लिए, क्योंकि रिमेनिंग टर्म्स क्या आएंगी, 1/2 और इसमें बची n+2/n+1, ये पी एन। नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पी एन, लिमिट लेनी है दोनों तरफ 1/2, n कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1+2/n, 1+1/n, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इसका मतलब है आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट दैट इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, वो भी 1/2 को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। सो अब एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। 7.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रॉब्लम, ये आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। सो इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट को देखिए, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, देन एक टर्म वन माइनस टर्म पॉजिटिव है, बट यहाँ पे बीच में प्लस साइन और माइनस साइन आपको दिखता जा रहा है। तो ऐसे अगर आपको दिखे तो आगे आपने क्या करना है इसको, कि देखिए वन प्लस वाली जो टर्म्स हैं वो, उनमें डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 2, देन 4, देन आएगा कितना 6 आएगा, तो 1+1/2n टाइप से आ रहा है मतलब वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म्स हैं जिसमें 1 माइनस है, वो टर्म्स हैं 3, उनके डिनोमिनेटर में है 3, 5, देन आएगा 7, तो 1-1/2n+1, तो nth टर्म को ही हम इस तरह से कंसिडर कर लें, ठीक है, दिस इज आवर nth टर्म। उससे क्या फायदा हो जाएगा हमें, an इज 1+1/2n, 1-1/2n+1, ठीक है। नाउ पार्शियल प्रोडक्ट लिखना है, पी एन इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसमें कैसे बनेगी, 1+1/2 इंटू 1-1/3, ये फर्स्ट टर्म, ओके। सेकेंड इज 1+1/4, 1-1/5, इस तरह से nth टर्म है हमारे पास 1+1/2n, 1-1/2n+1, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें कोई भी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, अगर सिंप्लीफाई करके ये देखिए, फर्स्ट टर्म यहाँ जो है बनेगी कितनी, 3/2 इंटू 2/3, ठीक है। ये नेक्स्ट टर्म इज 5/4, 4/5, ओके। nth टर्म इज 2n+1/2n, और ये बनेगी 2n/2n+1। सिंपली यहाँ पे सारे टर्म्स का आप प्रोडक्ट करके जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 1। सो लिमिट लेने पे भी लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पी एन भी कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 1। देयरफोर आपके इनफाइनाइट प्रोडक्ट ए एन कन्वर्जेस टू 1, ठीक है। एक ये मेथड है, अनदर मेथड इज आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये हो गया है अपने आप में, ठीक है, लॉग ले सकते थे, लॉग पी एन तो एस एन कंसिडर कर सकते थे आप लोग, तो वहां पे जो nth टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी, ठीक है, pn नहीं, ये सिंपली पूरे इनफाइनाइट प्रोडक्ट में ये जो लिखा हुआ है इसका सम अगर हम करते, इसको अगर हम लोग लेते तो ये हमारे पास बनता 1+1/2n, 1-1/2n+1, ठीक है, दिस इज लॉग ए एन। अब इसमें यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लॉग में ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे लॉग 1+1/2n-1/2n+1 प्रोडक्ट कर लिया दोनों का, -2n × 2n+1, एलसीएम लेके यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा लॉग 1+2n/2n+1 -1/2n × 2n+1, ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू आई यहाँ पे लॉग 1, ठीक है, और लॉग 1 इज 0,
ये एस एन था, तो यहाँ पे ए एन एनथ टर्म जो आएगी वो वैल्यू किसको जा रही होगी, दिस इज एस एन, एस एन कन्वर्जेस टू 0, एस एन मीन्स लो ऑफ पी एन, और वो जा रहा है 0 को, तो पी एन एक्चुअल में कन्वर्ज करेगा ई रेज टू पावर 0 को, ई रेज टू पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, कोर्स किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसे सिंप्लीफाई। तो अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग से, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में। यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सीरीज जो प्रोडक्ट जो गिवन है, दैट इज 1 माइनस 2 ओवर 2 बाई 3, 1 माइनस 2 अपॉन में 3 बाई 4, 1 माइनस 2 अपॉन में 4 बाई 5, और ये दिखाना है कि इट कन्वर्जेस टू 1 बाई 3। अब यहाँ पे सारी नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इस आप प्रोडक्ट को 1 प्लस an टाइप से आप ले सकते हैं। ठीक है, nth टर्म लिखनी है, 1 प्लस an इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन में n+1 into n+2। ठीक है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया n into n+3 अपॉन में n+1 ओवर n+2। इसका मतलब है n/(n+1) कर लीजिए और n+3/(n+2) कर लेते हैं। अब इसका फायदा क्या है, अब अगर हमने पार्शियल प्रोडक्ट देखना है तो 1 प्लस a1, 1 प्लस a2, 1 प्लस an। फर्स्ट टर्म होगी n को जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 बाई 2, और 1 को रखने पे 4 बाई 3। सेकेंड टर्म 2 बाई 3, 5 बाई 4। ठीक है, ओके, कुछ और टर्म्स भी यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि थर्ड टर्म रखने पे 3 बाई 4, 6 बाई 5। ठीक है, इसी तरह से n/(n+1) into n+3/(n+2)। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स क्या कैंसिल आउट हो रही है, तो ऐसे ही रखेंगे, कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज लोग लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे देखिए इन टर्म्स के फर्स्ट टर्म को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, डिनोमिनेटर नेक्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 उसके नेक्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये n इससे पहली वाली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे तो बचा 1/(n+1)। अब जो सेकेंड टर्म जो प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर नेक्स्ट के डिनोमिनेटर से, फर्स्ट का न्यूमरेटर तो 6 अगले के डिनोमिनेटर से, तो इसी तरह n+2 इससे पहले वाले के न्यूमरेटर से, सो n+3/3 हमारे पास बच गया है। अब यहाँ पे n कॉमन ले लें अगर, तो 1/(1+1)/n, 1+3/n/3। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/3। दिस एम्प्लाइज आपकी जो पार्शियल प्रोडक्ट है इट ऑल्सो कन्वर्जेस टू 1/3। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास, ये आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट गिवन है, सो 1 प्लस an, nth इसमें 1 प्लस 1/n³। ठीक है, ये आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट गिवन है, से पी से रिप्रेजेंट करते हैं 1 प्लस 1/1³, 1 प्लस 1/2³, 1 प्लस 1/n³। फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर लिया मैंने पी से। तो यहाँ पे देखिए टर्म्स कैंसल आउट नहीं हो रही है क्योंकि, तो हमने इस केस में लॉग पी की हेल्प लेंगे, लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग, समीशन की हेल्प से लिख लेती हूँ, 1 प्लस 1/n³। दिस इज से आपके पास सीरीज ए एन। अब सिंपली आपने इसको ऐसे सोचना है कि ये कोई आपको सीरीज गिवन है, इस सीरीज की कन्वर्जेंस देखनी है। ठीक है, इस सीरीज की जो भी कन्वर्जेंस आएगी, जिससे भी ये कन्वर्ज करेगी उससे एक्सपोनेंशियल लेके पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो ए एन इज आर लॉग 1 प्लस 1/n³। लॉग का एक्सपेंशन लगाना है, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस x² बाई 2,
प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री लाइक दिस। तो ये होगा 1 बाई n³ माइनस 1/2 n^6 प्लस 1/3 n^9 लाइक दिस। ठीक है, इसमें से 1 बाई n³ यहाँ पे कॉमन, 1 माइनस 1/2 n^4 n^3 प्लस 1/3 n^6 लाइक दिस। सो अब सीरीज की कन्वर्जेंस में कंपैरिजन टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट के लिए अगर इसे मैं लेट कर लूँ कि दिस इज आर बी एन 1 बाई n³, देन ए एन अपॉन में बी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन अपॉन बी एन कितना हो जाएगा, लिमिट 1 माइनस 1/2 n³ प्लस 1/3 n^6 लाइक दिस। एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर हमारी वैल्यू आई 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ओके, बी एन की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे डिपेंड करता है, एंड दिस सीरीज क्या करती है, कन्वर्जेस बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट से ये कन्वर्ज करती है यहाँ पे, तो आपकी जो सीरीज ए एन है कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सीरीज ए एन कन्वर्ज कर गई यहाँ पे, तो इसका मतलब है आपकी सीरीज ए एन किससे थी, अब कन्वर्ज करती है, मान लीजिए इट कन्वर्जेस टू सम नंबर एस। ठीक है, किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करती है, तो ये सीरीज बनी थी आपकी, इस जिसे भी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी वो किसकी वैल्यू आएगी, लॉग पी की। सो लॉग पी, पी जो कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट को मैंने नाम दिया हुआ, वो कन्वर्ज कर रहा है एस को, तो पी इनफाइनाइट प्रोडक्ट कर रहा है ई रेस टू बार एस को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट मतलब 1 प्लस an जिसे मैंने नाम दिया हुआ है कन्वर्जेस टू ई रेस टू बार एस, मतलब एनी फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है यहाँ पे एक्सरसाइज में, 7.1 की कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एक मैं हिंट देना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5th इज ई रेस टू पावर 1 + 1, प्रोडक्ट ये दिया है -1 - 1/2, ई रेस टू पावर 1 + 1/3, ई रेस टू पावर -1 - 1/4। अब ये दिखाना है इट ऑसिलेट्स बिटवीन 2 and 2e के बीच में, ये ऑसिलेट करती है ये आपका। ठीक है, दिस इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑसिलेट करता है, वो कब हमने देखना है, अगर आपके प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल सम दैट इज पी एन ऑसिलेट करती हुई अगर हमारे हमें मिलती है तो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके सीरीज बना लेते हैं इससे। अब सीरीज की ऑसिलेट करती है अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट करती हुई दिख जाएगी हमें। सो लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग ई 1 + 1 प्लस लॉग ई रेस टू पावर -1 - 1/2 लॉग ई रेस टू पावर 1 + 1/3। ओके, ये नेचुरल लॉग हम ले रहे हैं, ठीक है, टू द बेस ई है ये, प्लस लॉग ई रेस टू पावर -1 - 1/4। सो एक्सपोनेंशियल खत्म होने के बाद 1 + 1 प्लस -1 - 1/2, नेक्स्ट टर्म इज 1 + 1/3 -1 - 1/4। ठीक है, अब अगर इसमें हमने देखिए, ये हमने हमारे पास सीरीज आ गई। अब इस सीरीज की मैंने जो फर्स्ट टर्म है हर ब्रैकेट की वो मैंने एक तरफ लिख ली, दैट इज 1 - 1 देन +1 - 1 ये है, एंड जो लास्ट टर्म सेकंड टर्म है उसमें वो 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4। अब देखिए एन अगर ओड है, एन ओड है मतलब एन की वैल्यू अगर 1 है हमारे पास, तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। एन अगर 2 है तो 1 - 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ओड रहने पे 1 वैल्यू मिल रही है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने पे यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ। सेकंड में देखिए, ये हमारे पास लॉग एक्सपेंशन है, लॉग ऑफ 1 प्लस x की वैल्यू कितनी होती है, x माइनस x² / 2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4। अगर x की जगह 1 रख दिया हो तो ये वही एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में दिस इज लॉग 1 + 1 लॉग 2 की वैल्यू, दोनों केस में लॉग 2 ही है ये। ठीक है, सो ये हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक तो 1 + log 2 और एक log 2। ऑब्वियसली log 2 यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है और 1 प्लस, तो इसका मतलब है इस सीरीज की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, सीरीज ए एन जब ओड है तो उस सीरीज की 1 + log 2 वैल्यू मिल रही है, एन इवन होने पे log 2।
इसका मतलब है ये सीरीज ऑसिलेट कर रही है, सीरीज ए एन ऑसिलेट्स बिटवीन लॉग टू एंड वन प्लस लॉग टू, ठीक है, लॉग टू और वन प्लस लॉग टू के बीच में इसकी वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। अब सीरीज ए एन किसके बीच में है, किससे लिखी थी, दैट इज लॉग पी। इसका मतलब है लॉग पी की वैल्यू ऑसिलेट्स बिटवीन लॉग टू एंड वन प्लस लॉग टू के बीच में ऑसिलेट कर रही है लॉग पी की वैल्यू। अब लॉग शो करना है, लॉग टू एंड वन प्लस लॉग टू को क्या लिख सकते हैं, लॉग वन की, वन का मतलब है लॉग ई प्लस लॉग टू, ये हो सकता है, इसे लिख सकते हैं टू ई। इसका मतलब है लॉग पी ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन टू एंड लॉग टू ई के बीच में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पी ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन टू एंड टू ई। तो इस तरह से 7.1 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू।